कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, आप देख लें कीमा बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें ऑयल वगैरह नहीं है और बिल्कुल अच्छा दानेदार है। और मिर्च मसाला जो इसमें अभी इसमें बिल्कुल नॉर्मल बराबर है। आप इनको चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद असद के खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दाल चना और मटन कीमे के समोसे, बहुत ही ज़्यादा रेसिपी है, इस रमजान में आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करें। समोसा की फिलिंग बनाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिया है, तो इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे। जीरा साबुत शामिल, प्याज शामिल कर दें, प्याज हम करेंगे क्योंकि हम जो है मटन कीमे से जो है बना रहे हैं, तो हल्का सा सोते करेंगे प्याज को, हमने ना गोल्डन ब्राउन करना है ना बिल्कुल ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा सोते करेंगे। यह मटन का कीमा है, इसमें हमने प्याज और सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन जो है मशीन से निकाल लिया है, अभी हम इसको शामिल कर दें। दो टेबल स्पून आप इसमें धनिया दरदरा कुटा हुआ डाल देंगे और एक टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली शामिल करेंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। और डेढ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके कीमे के कलर को अच्छा करने के लिए हल्की सी हम हल्दी शामिल करेंगे, हमारा वाइट वाइट ना लगे। तक पकाएं, अभी हम इसको फुल तैयार होने तक पकाएंगे, इसका ढकना लगा देंगे, आग स्लो रखेंगे। कीमा हमारा पक चुका है, अभी हम इसको घोट के इसका जो पानी है वो खुश कर लेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह भून चुका है, अभी हम इसको एक छन्नी में निकाल देंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, आप देख लें कीमा बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें ऑयल वगैरह नहीं है और बिल्कुल अच्छा दानेदार है। और मिर्च मसाला जो इसमें अभी इस पर बिल्कुल नॉर्मल बराबर है, तो अभी जो हम इसमें अगर आप इसको खाली कीमे के समोसे बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दाल चना बॉयल करके डाली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा क्योंकि हमारा जो कीमा है वो मटन का कीमा है, तो वो शिलिंग हो के काफ़ी उसकी क्वांटिटी जो है कम हो गई है। दाल चना से समोसे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी इस पे हम जो है सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मायोनीज शामिल करेंगे इसकी कीमे को जोड़ने के लिए, ताकि जब भी आप बाइट लें वो कीमा समोसे से बाहर ना गिरे। और थोड़ा सा हम इसमें जो है ही गार्लिक केचप डालेंगे, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो बैंडी है
मिक्सचर जो अच्छा बन जाए, थोड़ा सा जूसी सा हो, ताकि खुश कीमा खुश को खुश ना लगे। दही बनाने के लिए मैदे में हल्का सा पानी डाल के इसकी एक स्मूथ सी लेई बना लेंगे, जिससे अब जो है समोसे को जोड़ेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। बनाने का तरीका दोस्तों आप देखें कि जैसे आपने इस तरह सीधे रुख की पट्टी रखी है, तो अक्सर दोस्तों को ये मसला होता है कि उनको समोसा पट्टी जो समोसा है छोटी पट्टी का वो बनाना नहीं आ रहा था। ये देखो हमें सीधे हाथ से इसके कोने को उठाना है और बिल्कुल इधर बराबर आके इसको रोक देना है। इस तरह से इस तरह इधर हाथ रखना है और इस तरह सेम इसको उठाना है इधर। अभी फिर इसको उठाना है इस साइड। अभी आप इसके नीचे भी लेई लगा सकते हैं। ये आप देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो भी हम चम्मच की मदद से जो है इसमें मावा शामिल कर देंगे, डालेंगे और चम्मच की बैक साइड से जो है अच्छी तरह अंदर इसको चोक देंगे, ताकि समोसा हमारा जो है अच्छा फीलिंग वाला हो। तो अभी जो है समोसा हमारा रेडी है। एक और तरीका है, ये देखिए आपने पट्टी को इस तरह स्ट्रेट रख लेना है और ये कोना पकड़ना है और इधर रेल ले आना है और इसको आपने उठाना है और इस तरह ले आना है। ये देखिए इस तरह आपने रखना है, इस तरह स्टफिंग डालनी है। ये वाली साइड उठा के अपने ये ऊपर वाला पीस जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो ये भी आपका समोसा तैयार है। आपको जिस तरह आसान लगे आप उस तरह बना सकते हैं। करेंगे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हाँ चलती रखेंगे, आराम से पकाएंगे। समोसे हमारा माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको डिश आउट कर देंगे। में जो है रख के फ्रीज कर देंगे
आप हमने तो इस्तेमाल करने हैं, हम इसको नॉर्मल साइड पे रखेंगे। अगर आपने इनको फ्रीज करना है, ज़्यादा अरसे तक चलाना है, तो आप इनको पहले फ्रीज करें एक ट्रे में रख के, तो फिर आप इसको जो है एक एयर टाइट जार में या आप जिप लॉक बैग में जो है इसको डाल के फ्रीज करें। दो लेयर लगा के इतने तक जो है कोई डर नहीं है। आप इनको चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें। दोस्तों कि आज की मटन कीमा की समोसे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में।